गुड मॉर्निंग बच्चों, कल जो चैप्टर बच गया था उसका कुछ भाग उसको आज हम शुरू कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट था फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी एक प्लांट के ग्रोथ में कौन कौन से फैक्टर होते हैं प्लांट के वृद्धि और विकास, इनके लिए कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। पहला होता है क्लाइमेट, क्लाइमेट यानी जलवायु, कौन से पौधे किस जलवायु में है। जलवायु बहुत महत्वपूर्ण तत्व है एक प्लांट के डेवलपमेंट में। जैसे एक जलीय पौधा हाइड्रेला, अगर उसको ग्रो करना है तो उसके लिए वाटर जो है प्रमुख तत्व है उसके डेवलपमेंट में, तो इस तरह से क्लाइमेट बहुत आवश्यक तत्व है। दूसरा तत्व आता है सीजन, यानी कौन से ऋतु में कौन प्लांट डेवलप करेंगे। जैसे कि खरीफ क्रॉप जो है, खरीफ क्रॉप में आता है ज्वार, राइस, बाजरा, इन सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीजन वर्षा ऋतु, गर्मी और वर्षा ऋतु का मिश्रण होना चाहिए। रबी की फसल को अगर उसका विकास करना है उसके लिए जाड़े का ऋतु महत्वपूर्ण होता है। इस तरह से जो है ये सारे तत्व जो है प्लांट के ग्रोथ में प्रभाव डालते हैं। अब आता है एग्रीकल्चर, तो कौन से क्षेत्र में कैसी खेती की जाए, उस क्षेत्र की स्थिति क्या है, भौगोलिक बनावट क्या है, सिंचाई के क्या साधन है, उसी तरह की फसलें उस क्षेत्र में लगाए जाते हैं। अब आता है अगला जो है स्टेप, आता है स्टेप्स ऑफ क्रॉप प्लांटेशन। इसके लिए क्या स्टेप हम लेंगे, अगर किसी खास जगह पे हम प्लांट लगाते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। पहला होता है प्लॉइंग, खेतों की जुताई, यानी उसको उसकी मिट्टी को इस तरह से जुताई की जाती है कि जो उसके अंदर के नमी है वो सूख जाए और जो इंसेक्ट है वो मर जाए। दूसरा होता है वीडिंग, उसी के क्रम में ये भी आता है, खेतों की जुताई, बुनाई, कुड़ाई, इस तरह के जो प्रोसेस है बीज रोपण से पहले ये प्रक्रियाएं की जाती है, उसके बाद बीज आरोपण किए जाते हैं, फिर इरिगेशन यानी समुचित सिंचाई की जाती है, उसके बाद आता है आपको जब बीज हम डाल देते हैं तो उसमें फर्टिलाइजिंग, यानी उसमें कौन से फर्टिलाइजर यूज करेंगे ताकि एक पौधा अच्छी तरह से ग्रो करे। अब आता है क्रॉप प्रोटेक्शन, जब हम बीज लगा देते हैं, सिंचाई कर लेते हैं, फर्टिलाइजर का यूज कर लेते हैं, फिर भी ऐसा नहीं कि पूरी तरह से हम निश्चिंत हो जाते हैं, उसकी सुरक्षा और देखभाल भी करनी पड़ती है जानवरों से, कीटनाशक से, तो समय समय पे कीटनाशक का यूज करेंगे, खेतों की रखवाली किसान लोग करते हैं ताकि जंगली जानवर आकर उसको खान ले, फसलों को बर्बाद न कर दें। इसके साथ साथ स्टोरिंग भी एक प्रमुख प्रक्रिया होती है, फसल के बुनाई से लेकर कटाई तक में सबसे महत्वपूर्ण चरण और अंतिम चरण होता है स्टोरिंग, यानी जब फसल पककर तैयार हो जाते हैं तो उसका भंडारण हम करने से पहले उसको धूप, बीज को, अनाज को धूप दिखाते हैं, उसके बाद कोल्ड स्टोरेज या ऐसे ऐसे स्थानों पे जहां कि आप अनाज खराब ना हो वहां उसको स्टोर किए जाते हैं। तो एक प्रैक्टिकली आप लोग इसको अनुभव भी कर सकते हैं, करके भी देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो
आज का जो ये चैप्टर है कंप्लीट हो गया, नीड्स ऑफ प्लांट्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर था वो कंप्लीट करवा दिए। इसको आप डीपली पढ़ेंगे, किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप इस स्कूल के डायरेक्टर साहब के संपर्क सूत्र को से आप संपर्क करेंगे और अपनी समस्याओं का जो है उनको बताएंगे, उसका निदान हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।